ये जा रहा है मेरे साथ। हेलो बोल दो। हेलो गाइस, तो जाके गेट खोल पहले। चलो अपन चलते हैं सीधा, अब हल्का हल्का चलेंगे, आराम आराम चलेंगे, और अभी सारे के सारे दोस्त इकट्ठा होंगे, फिर साथ में मिलेंगे। तो अभी हम आ रखे हैं दूधप्री के घर दूधप्री को लेने के लिए, पर दूधप्री हमेशा की तरह दोबारा हो चुका है लेट। तो करते हैं उसका इंतजार थोड़ी देर और फिर चलते हैं। फिर तनिष और भी आ रहे हैं वहाँ पर, सारे के सारे बंदे इकट्ठा होते हैं, फिर मारेंगे किसी को, मतलब मंदिर जाएंगे। तो गाइस अभी हमें मिला था दूधपुरी, इसको तो मैं लेने गया था, और तनिष आ चुका है। चेक करो इसका लुक, एकदम रॉकिंग। जूते देखो, जूते दिखा गाइस, देखो चमचमा के जूते, नए जूते लाए हो, उससे ज्यादा चमक रहे हैं। मैचिंग मैचिंग बात तो सही है, बट अभी आयुष और कुमार गया है अपने दोस्त को लेने। कुमार का भी फोन आ रहा है, आता आयुष का दोस्त आ रहा है, तो हम हेलो हां बोल उसके आ जाएंगे, फिर अभी इसका वेट कर रहे हो पेट्रोल पंप। हेलो हां बोल। ओके बाय बाय। हां जी भाई, पीके जी पीके जी कैसे हो? करो कुमार पीके जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? कमेंट में कुमार के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दो। आना बोल, अच्छी अच्छी बातें लिख दो कुछ तेरे साथ ही आगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं भद्रास टेंपल, जो कि दो रास्ते से जाया जाता है, एक मसूरी वाले एक कोटी वाले। तो हम फॉलो कर रहे हैं कोटी वाला, क्योंकि हमें करना है थोड़ा ट्रैक। हमारे साथ है थोड़े बंदे, देखो बंदे हैं साथ में, तो थोड़ा ट्रैक करने में मजा भी आएगा। तो फिर कोटी के रास्ते चलते हैं, और हमें एक चीज़ है, हमें रास्ता पता ही नहीं है, और पता नहीं कैसे जाएंगे हम, देखते हैं आगे, थोड़ा सस्पेंस होगा, हम कैसे कैसे जाएंगे तो जानने के लिए देखते रहिए। दोस्तों स्टोरी में आया एक सस्पेंस, जो हमारी तीसरी स्कूटी है वो हो चुकी खराब। इसकी भी तो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, उसकी स्कूटी सही नहीं हो रही, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही, मतलब आवाज कर रही है, तो इसकी भी तो नहीं हो रही, नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, जल्दी करवाते हैं उनकी स्कूटी ठीक। दोस्तों प्लान में आया है चेंज, तनिष जा रहा है, तनिष और कुमार जा रहा है उसकी स्कूटी सही करने के लिए मैकेनिक के पास, और हम तीनों के तीनों जा रहे हैं कोटी के रास्ते। ये जल्दी से आ जाएंगे हमारे पीछे से, तो हम चलते हैं सीधा वहाँ, है ना। चलो हमें चलते हैं यार। अभी हम रुके थे अपने फर्स्ट ब्रेक के लिए, अभी हम कर रहे तनिष शुरू का इंतजार, वो अभी तक नहीं आए। बाकी क्या मस्त लग रहा है यहाँ पर, क्या चुनौती, कितनी वो रखी है शांति, मस्त करके। और हाँ, आज दूसरी व्लॉग बना रहा है, आज दूसरी का पहला व्लॉग होने वाला है। तो देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी क्या जगह है, मैं आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक चेक कराता हूँ। दोस्तों हम पहुंच गए कोटी, कोटी तो हम बहुत पहले पहुंच गए थे, बट तनिष और हमें कुछ कोई दिखे नहीं, और हम चले गए नीचे 10 किलोमीटर से ज़्यादा, हम नीचे जाके आ रखे हैं, और फिर अब आए हैं, अब पहुंच चुके हैं फाइनली कोटी, वहाँ पीछे बोर्ड लग रखा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा ऊपर की साइड, बहुत थक गए, अब सीधा चलते हैं वहाँ पर, अब कोई पोपट नहीं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम भद्रास के ट्रैक के स्टार्टिंग में, यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है, बाकी बहुत सारी स्कूटी आई है ना, और ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ से, मस्त बकरिया बकरिया बकरी के बच्चे। और अब हो गई हालत असली ख़राब, जो हमें चढ़ना है, अंकल जी बोल रहे हैं कि यहाँ से 6 किलोमीटर है, लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, हमारी स्पीड से तो 4 घंटे लग सकते हैं, बाकी बहुत मेहनत करके आए हैं एंगल के यहाँ तक। हम तो मतलब अगर हम पहले आते ना, पहले हम तो पहुँच ही गए थे, हम नीचे चले गए।
फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक और हम जा रहे हैं अब। बड़ी मेहनत से आए, जरा डिटेल में बताएगा आज क्या हुआ हमारे साथ। भाई हम बहुत लंबा चले गए, 10 किलोमीटर हम आगे गए और सब गूगल मैप की वजह से। भाई गूगल मैप का भी भरोसा मत करो भयंकर की, उसने हमको इतना 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला दिया, वो भी पहाड़ों पे। सोचो क्यों भाई कुमार, वो भी हमने ट्रिपलिंग कर रखी थी और पूरी रेस खींच रखी थी मैंने गाड़ी की, तब जाके पहुंचा भी हम, है ना दुदूरी। वही तो, बाकी दुदूरी ना अपने ब्लॉग में सब कुछ बता तो दिया है, वो जाके देख लेना आप। भाई चैनल का नाम तो बता दे, फ्रैंकन, सिर्फ फ्रैंकन। बाकी यहाँ पर तनिष, यहाँ पे कैप्शन में लिख दिया। चलो चलो, ये है तनिष, कुमार, आयुष, अंशदीप और दुदूरी और सुमित। सुमित है उसका नाम। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, ऐसा करके बढ़िया। और यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर जीवन जल, तो यहाँ से ऊपर से करना है, ये इसका मेन पॉइंट है। अगर अगर आप भूल गए रास्ता तो ये याद दिलाने के लिए ये एक चीज़ है। तो यहाँ से ऊपर चढ़ना है, मेरे को तो अभी से थकाई लगने स्टार्ट हो गई है, पता नहीं बाद में क्या होगा। तो ये चढ़ रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ी है हम तो साइड चढ़ जाए हम। गाइस देखते हैं कितने पहाड़ी है, ये ऊपर जाके पता चलता है। भाई बहुत समय से हमने ऐसा ट्रैकिंग नहीं करी, एक बार गया था गाँव पिछले गर्मियों में, तो फिर हालत ख़राब हो गई थी वहाँ, तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर रुको, उसमें हाथ नाक कान सारे बाहर आ गए थे। बाकी ये तो महंगे 16 कितने है, ये है 6.5 किलोमीटर है, पता नहीं कहे जाएंगे हम, भगवान पहुँचा देना बस। हमने लिया है यहाँ पर अपना फर्स्ट ब्रेक, बहुत थक गए यार इतना चढ़ के, मुझसे 500 मीटर भी नहीं चढ़े होंगे, अभी थक लग रही बहुत ज्यादा, थक लग रही है भाई, उससे काम चला रहे। तो वहाँ पर दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर, वो देखो दिखेगा तो। तो कुमार बोल रहा है कि वहीं पे चले जाते हैं, बाकी क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ से, वो देखो तो छोड़े जा रहे हैं ट्रैक में, हालत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, ये तो मोटे हो गए ना थोड़े से, और हमको आदत भी नहीं है चलने की। तो प्रॉपर ब्लॉग आने जब हम नीचे आएंगे तब बनाएंगे, अभी तो हालत खराब हो रही है। ठीक है मिलते थोड़ी देर में। तो अभी हमने लिया अपना सेकंड ब्रेक, और बाकी व्यू दिखाता हूँ क्या बढ़िया, और सारे चीड़ के पेड़ है यहाँ पर, एक नंबर मस्त व्यू एकदम। बाकी यहाँ बैठ रहे हैं सारे के सारे, थक गया क्या? नहीं थका बिल्कुल नहीं, अभी तो 10 किलोमीटर चढ़ूंगा और अभी 10 किलोमीटर। ऐसा यहाँ का व्यू क्या प्यारा लग रहा है, बढ़िया एकदम, अभी ऊपर से और बढ़िया लगेगा। जो लेके आए थे हम खाने के लिए वो हमने निकाल लिया एज अ रिफ्रेशमेंट, और बाकी खाते हैं उसे यार, थोड़ा एनर्जी आएगी, फिर चलते हैं सीधा ऊपर, है ना। बाकी व्यू एक नंबर, जितना बोलो उतना कम, अभी तो ऊपर जाके और बढ़िया आएगा। बाकी यहाँ पर इनकी थोड़ी पेट पूजा। हाँ भाई कुमार क्या हाल चाल? कुमार क्या हाल चाल? फैन बेस क्या यार, भूख लगी क्या? थोड़ा खिला दे यार भाई, दे दे यार, धन्यवाद। अकेले अकेले खा रहा है। चले तो ये नॉर्मल है ना, खाए जाते हो खाते हो। तो जैसे देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर कितना कचरा हो रखा है ना, हम भी कुरकुरे लेके आ रखे और हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एक कचरा मत फैलाओ यार, अगर लेके आते हो तो लेके जाओ, अगर अभी ये भी दिखा दे लोगों ने, आओ मत यहाँ ये, फिर अभी वो भी तो दिखा कितना गंदा गंदा, वो तो दिखाया मैं अभी, तो यही दिखाया एक कचरा साथ में लेके जाओ, बेफालतू में उत्तराखंड को वो मत करो, बेफालतू में नीचे दिखाओ, गंदगी हो रही है यहाँ पर उत्तराखंड में, पहाड़ों में स्पेशली आजकल लोग आजकल आते हैं ट्रैकिंग करते हैं और ये सारा सामान यहाँ पे फेंक दिया जाता है। तो आओ तो लेके जाओ वरना मत आओ। तो कुमार यहाँ से भी कबाड़ा फेंक के जा रहा था, तो हमने इसे बहुत ज्यादा फोर्स किया कि उठा उठा,
कोई भी यहाँ पे कबाड़ा फेंकेगा तो अच्छा ही लगा यार हमें। एज अ पहाड़ी एज अ उत्तराखंड है हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि उत्तराखंड को साफ रखे, है ना। अच्छा लगे तो कमेंट करो। ऐसे नॉन पहाड़ी इंसान आते हैं ना और गंदगी करते हैं तो अच्छा थोड़ी लगता है। मजाक कर रहा है यार दोस्त अपना, सिखाओ इन्हें, बताओ सबको। माना व्यू जो हर किसी को पता होता है जो बताज ट्रैक करता है सबसे जाना पहचाना। एक तो नीचे जहाँ पर हम रुके थे चीड़ के पेड़ के पास, वहाँ पर फर्स्ट स्टॉप इसे मान सकते हैं हम, सेकंड स्टॉप। और ये है कुछ ऐसा बहुत गहरा है, ये कोई गिरा तो गया। दोस्तों कम से कम 2 किलोमीटर तो कम हो गया होगा। अभी हम पहुंचे हैं जाना गाना पहचाना, जो आपने देखा होगा जो बताज आया होगा, और जिन जो नहीं आया वो अभी देख लो। बहुत ही लंबा लाइन स्केट है यहाँ पर, सबसे ज्यादा फेमस है इस ट्रैक का। तो कितना गहरा है वो, और नीचे एक नदी भी बह रही है शायद, बाकी कोई यहाँ पर गया तो चल गया नदी देख के आते हैं। चलो बाकी वहाँ से हल्का हल्का पानी तो आ रहा है पर वहीं पर स्टोर हो जा रहा हूँ। बाकी कहीं आस पास दिख नहीं रहा है, मुझे तो लगता है वो भ्याल में लमट गया है। जिसे नहीं पता भ्याल क्या होता है, भ्याल होती है खाई और लमट मतलब गिरना। तो हमें लगता है कि कुमार गिर चुका है भ्याल में, अभी तक आए नहीं है। सेकंड ब्रेक के लिए यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर थर्ड है शायद। और अभी हम थोड़ा फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स रह गए हैं कुमार के बैग में और वो रह गया है नीचे, उसे बाग उठा के लेके चले गया है। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, जब वो आएगा फिर हम संतरा खाएंगे। एड जी खत्म होगी शरीर के अंदर। तो आयुष ने थोड़ा सा गलत देख लिया था, संतरे मेरे बैग के अंदर थे, अब हम खाते हैं। मुझे एक बात मतलब मेरे दिमाग में चल रही थी, बड़ी जल्दी आ गई कि हम ये नहीं देख रहे कि हम कितना चल गए, हम ये भी नहीं देख रहे कि हमको कितना चलना है। हमें देख रहे अभी हम चल रहे हैं और नीचे देख के चल रहे हैं। तो ये खास बात है पहाड़ की, हम अपना ना पास देखते हैं ना फ्यूचर, प्रेजेंट में जियो, खुश जियो, मजे से जियो। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अभी हम चढ़ चुके हैं 4 किलोमीटर शायद, अभी बचा है 2 किलोमीटर तो होगा मिनिमम। बाकी ये व्यू क्या लग रहा है, वाह पूरा व्यू दिख रहा है अभी, और टॉप से और अच्छा व्यू दिखेगा। बाकी चीड़ की पेड़, अभी हमें चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं, ऊपर जाके हमें बांस के पेड़ दिखेंगे तो वहाँ पर शायद ठंडा हो सकता है, क्योंकि जो ब्रांच के पेड़ होते हैं वो ठंडे होते हैं और वो ज़्यादातर कुमाऊँ में पाए जाते हैं। बाकी व्यू क्या लग रहा है, अगर कोई इंसान बाई दी चांस किसी का पैर स्लिप हुआ तो सीधा वहाँ पर जाएगा जहाँ पर रेत रेत जैसे दिख रहा है। तो दोस्तों आप इस वाले व्यू को एंजॉय करिए, फिर मैं मिलता हूँ आपको सीधा आगे।